की तरबियत का असर है। और हमारा ये मिलाद की महफिल का मकसद ही यही है कि ये जो हमारे आने वाली नस्लें हैं इन बच्चों में भी हुजूर का इश्क जो है रच बस है। जो दोस्त पीछे बहुत पीछे बैठे हैं जरा करीब करीब आ जाए प्लीज, क्योंकि हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब अलहाज हसन बिन खुर्शीद जो पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, वर्ल्ड फेमस लाल खान है, और इसी तरह हाफिज करीम सुल्तान साहब जो कि ह्यूस्टन से इतना लंबा सफर करके इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए हैं, और जो असल खिताब आखिर में होगा हजरत अलामा मुदस्सिर हुसैन नक्शबंदी साहब, ये हजरत भी ब्रिटिश बॉर्न है, और इंशाल्लाह आप हजरत का भी जोश जज्बा आप देखेंगे। उससे कबल मैं चाहता हूँ हमारे सदीक अकबर भाई वो तशरीफ लाए और एक नात पढ़े, उसके बाद हसन भाई को मैं दावत दूंगा। तो जो साथी जरा दूर दूर है ना वो जरा करीब करीब आ रही है। कितना खूबसूरत बयान उन्होंने रेफरेंस के साथ आयात पढ़ी है, अहादीस पढ़ी है, उलमा के अकवाल पढ़े हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है जो उन्होंने पढ़ी कि हुजूर ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जब तक के तुम अपने माँ बाप दोस्त अहबाब हर शख्स से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करोगे तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा। और बुखारी की हदीस है हजरत उमर का हुजूर ने हाथ पकड़ा हुआ है, आखिज़ुन बे यदे उमर इब्न अल-खत्ताब, बुखारी शरीफ। तो हजरत उमर कहते हैं या रसूलल्लाह ला अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी, हाफिज़ साहब कि या रसूलल्लाह मुझे हर चीज से ज्यादा आपकी मोहब्बत है सिवाय अपनी जान के, अपनी जान के अलावा हर चीज से आपसे मोहब्बत है। तो हुजूर ने फरमाया ला या उमर तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक के तू मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा, महबूब नहीं रखेगा, उमर तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होगा। इधर हुजूर ने फरमाया तवज्जो है कि नहीं, उधर हजरत उमर ने क्या कहा है, वल्लाही الان انت احب الي من نفسي يا رسول الله, يا رسول الله اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو حضور نے فرمایا انه الان یا عمر, ہاں اب عمر, یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو علامہ بدر الدین عینی نے اس کا ترجمہ آگے کیا, وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حضور یہ فرما رہے ہیں الان کامل ایمانک, کہ اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ اور یہاں پر علامہ ابن حجر عسقلانی, علامہ بدر الدین عینی, علامہ قسطلانی, ملا علی قاری, تمام بڑے بڑے اکابر علماء نے یہاں وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دو طرح کی محبت ہے, ایک ہے طبعی محبت, طبیعتاً کسی سے محبت ہو جائے, اور ایک ہے اختیاری محبت۔ وہ کہہ رہے ہیں اولاً کانا جواب عمر بحسب الطبع, پہلے جو حضرت عمر نے جواب دیا تھا وہ ایک طبعی انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی تھی, یا رسول اللہ میں زندہ رہوں گا میری جان ہوگی تو میں آپ سے آپ کے لیے کچھ کروں گا, تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ ثم تأمل, پھر غور کیا, فعرف بالاستدلال لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احبہ احب الیہ لکون ہی سبب فی نجات ہی من المحلقات فی الدنیا والآخرہ, پھر حضرت عمر نے غور کیا کہ دنیا اور آخرت میں میری نجات کا ذریعہ تو محمد مصطفیٰ ہے, تو جو دنیا میں بھی میری نجات کا سبب ہے آخرت میں بھی نجات کا سبب ہے تو اختیار اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اسی ذات سے محبت کی جائے گی۔ اپنا معیار زمانے میں جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اپنا معیار زمانے میں جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اور وہ جو علامہ سراج الدین شامی کا حوالہ تھا ایک اور پڑھ کے, اپنا کدھر گئے ہمارے ناس, اچھا آگے ان سے داد سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں سنیے اور اپنا ایمان, وہ کہتے ہیں حضور کے اوصاف بیان کروں, وہ کہتے ہیں ان ذکر شمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم وسماء اوصافہ ونعوتہ
तहया कुलूबुल मुहिब्बीन। हजरत अल्लामा साहब कहते हैं कि हुजूर के शमाइल का, फजाइल का, खसाइल का बयान करना और हुजूर की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और हुजूर की नात और हुजूर का कसीदा सुनना, इससे क्या होता है? वो कहते हैं अहले मोहब्बत के दिल जिंदा हो जाते हैं, आशिकों के दिलों को जिला मिल जाती है। और वो कहते हैं वत्तरबो अरवाहुम व उकूलहुम, उनके दिल और उनकी रूहें करार में आ जाती हैं, उनकी रूह कुलूब और अजहान मचल जाते हैं। व यज़दादु हुब्बुहुम, और रसूलुल्लाह के साथ जो मोहब्बत है उसमें इजाफा हो जाता है। व यतहर्रकु इश्तियाकुहुम, और हुजूर के साथ जो शौक, जो ताल्लुक, जो मोहब्बत है वो बढ़ जाता है। तो मुल्तमिस हो जनाब मोहतरम सिद्दीक़ अकबर से बारगाह रिसालत में आप में अपनी हाजिरी पेश करना चाहिए। मेहमान सनाखा तशरीफ फरमा है, बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपनी हाजिरी पेश करके इजाजत चाहूंगा। दुरूद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नूरे मुजस्सम, या मुहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मुहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्व बयां हो कैसे, कौन करे गबड़ाई, सल्लल्ला तेरी कौन करे गबड़ाई, तेरा वस्व बयां हो कैसे, तेरी कौन करे गबड़ाई, इस गर्द सफे गुम है, इस गर्द सफर में है, जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, 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 दुनिया ते दो जहान सरदार आ गए, घर आमिना दे हो गई, आमद हुजूर दी, घर आमिना दे हो गई, आमद हुजूर
फरिश्ते आप दा रुख सारे आ गए, सारे गुनाहगार दी अजीद हो गए, सारे गुनाहगार दी अजीद हो गए, बख्शिश लुटावर दो जगदे मुख्तार आ गए, बख्शिश लुटावर दो जगदे मुख्तार आ गए, भर लो करम नल झोलिया आ जाओ मंगते हो, भर लो करम नल झोलिया, भर लो करम नल झोलिया आ जाओ मंगते हो, दुनिया ते दो जहाना दे मुख्तार आ गए, दुनिया ते दो जहाना दे मुख्तार।